और अंदर से आग लगाओ तेजी के साथ में। चलाओ उसके अंदर से आग लगाओ पेट के अंदर से तेजी के साथ। शमशान से कब्रिस्तान से कहां से आया था? ऐसे ऐसे रस्ते पे मिला। कब मिला था? ऐसे रात को। कितने बजे? 11 बजे। पंखा बंद करो। हां कितने बजे? 11 बजे। इधर आओ। हां जकड़ लो सूटकेस के साथ। कितने साल पहले? 11 बजे 6 साल पहले। हां 6 साल पहले 11 बजे मिला था। कहां मिला था? 12 दिसंबर 2016। कब मिला था? गौर से 12 दिसंबर 2016। अच्छा कौन से रोड पे? एरिया का नाम? अरे ये चिकली रोड। और तू वहाँ क्या कर रहा था? अभी छोकरा वहाँ क्या कर रहा था? ऐसे मर गया था। अरे पापा ऐसे मर गया था। तू मर गया था? कैसा मरा था? ऐसे मर गया था भाई। कैसा? ऐसे लटक गया था। कहाँ लटका था? लटक गया था भाई। कहाँ? खेत में, घर में, रोड के साइड में? कहाँ पे? सुसाइड करके मारा था? इसको भी क्यों मार रहा था तू? नींद के गोलियां खिला के मार रहा था इसको? तीन बार इसमें भी सुसाइड अटेम्प्ट कराया ना तूने? साली जाने वाला था इसको? अरे ऐसे ऐसे भी इसको भी घाट उतरना था मेरे को मौत के घाट। इसको क्यों मारना चाह रहा था? इसको क्यों मारना चाह रहा था? ऐसे 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 बाद में इसने दारू पिलाई मेरे को बहुत। अच्छा अंदर बैठ के दारू पिया? बाद में कुछ नहीं किया। बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ चुपचाप। तू इसके अंदर बैठ के दारू पी रहा था? इसको नशे करने लगा रहा था? जोर से बोलो तो काट दूंगा। क्या करने लगा रहा था? मैं इसको दारू और मटन। बस मैंने और कुछ नहीं किया। कुछ सोसाइटी भी करने लगा रहा था तू? नहीं, वो पहले बीमारी मिर्गी भी लगाया था उसको। बीमारी लगाया था? अरे बीमारी नहीं भाई, बीमारी नहीं। अरे बीच में बीमारी लग गई उसके बाद में उसके नस कमजोर कर दी डॉक्टर लोग की। माफ कर दो। मैं कब्रिस्तान से आया था भाई। कब्रिस्तान से आया था। इधर के साइड के? कहाँ के? ऐसी यलगाव। मरने से पहले क्या नाम था तेरा? यलगाव। नाम क्या था तेरा मरने से पहले? क्या नाम था जल्दी? अजीत वाघ। झूठा बहुत बोलता है। अच्छा अजीत वाघ। इसके हाथ में भी तेजी से आग लगाओ। बाबा मेरे प्रॉब्लम। ये लगता मेरे को, ये भूतपूर्व लगता कुछ भी। अच्छा मेरे को ही लगता बहुत बात कर रहा अंदर बैठ के। चाल बातें चला रहा अभी भाई बोल रहा है। अभी बच्चा बोल रहा है। नहीं अभी खामोश रहो, बीच में कोई बात मत करो। हां बोल रहे कम वक्त ना आला, तेरे दो टुकड़े करने का हुक्म देता हूँ। पहुंच को देखो जंजीरा डाल के पकड़ लेते उन्हों, बाद में तेरे को मां कहां कटा था तू वहां से पकड़ के तेरे काट के दो टुकड़े करके लाते मेरे सामने। बाहर टांग देता हूँ तेरे टुकड़े करके, फिर तू गिनते रहे कितने लोग आ रहे कितने जा रहे बाहर से। फिर काटू तेरी मुंडी बाहर टांग दू? नहीं। अरे मैं चला जाता। ए भाई जाता तू? हाँ मैं जाता। जोर से बोल मैं जाता। भरोसा नहीं तेरा? मैं जाता। इसमें जादू करके तुझे छोड़े वाला है, तू खुद ब खुद नहीं आने वाला है। कम वक्त मुझे सब मालूम है। कौन था वो इस पे जादू करने वाला? जादू
हाँ कौन कर रहा है छोकर पे जा दो, क्या नाम है इसका? बाबा 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 मेरे को ही लगता है वैभव पे जादू कौन कर रहा है? तो बाबा मेरे को ही लग रहा है ना वो, जल्दी बोला तो दो टुकड़ा कर देता हूँ, देख साथ झगड़ा उसको नाला उसको। अरे बाबू बाबू मैं वैभव ही बात कर रहा हूँ। अच्छा वो मेरे को ही लग रहा है, वो भूत को नहीं लगता ना बाबा। बाबा मेरे को ही लगता है जो भी मारे किसी, ये जो मसला है ना ये तुम आपको नहीं बोल रहा, खुद ब खुद लगे वाला है, खुद ब खुद नहीं लगा, ये कैमरा इधर से ला रहा है। वो ऐसा बयान कर रहा कि मैं वो कहीं पर सुसाइड करके मरा था, अटेम्प्ट कर एक झूठ फंदा लगा कर, हाँ झूठ सुनो बता रहा हूँ तुम्हारा मिसाइल दास्तान, और फंदा लगा कर मरा है वो, और ऐसा उसका कहना है, और मरने के बाद उसको पकड़ के लाए। ठीक है ये जो मसला है ये खुद ब खुद आया वाला शैतान नहीं है, लाकर जादू टोले से लगाया, लगे वाला खुद ब खुद अलग रहता, लगाए वाला अलग रहता, करनी कोटाल के वार अलग रहते, उसमें सब ऑल थियरीज वेरी डिफरेंसेस इन द ऑल पार्ट्स, बहुत अलग 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 थियरीज अलग अलग पार्ट्स पड़ते उसके अंदर, बहुत अलग अलग वार रहते। तो ये जो मसला है ये खुद ब खुद आए वाला नहीं, इसको तंत्र मंत्र से ला के खिला के जागरूक करके छोड़ा लाए, ताकि उसको मार दे, और उसको मार गला गला के सड़ा के तड़पा के, उन्हें अंदर बैठ के एक नहीं है वो, बहुत सारे क्या बोलते तो दास्तान है वो, कैसे वार चले क्या चले बहुत सारे राज है, मगर वो खिला करके ऐसा अमल कर दिए कि उस दौरान में उन्हें अंदर बैठ बैठ के उसके अंदर बैठ के दारू भी पी रहा था, चिकन भी खा रहा उसके अंदर बैठ के, एक टाइम पे उन्हें कितना खाता चिकन? एक किलो, एक टाइम पे उसको एक किलो रखता, उन्हें नहीं खाता वो अंदर बैठे अलग खाता, और दूसरी बात क्या बोलते तो वो नशा भी करा रहा था उसको, और उसके साथ साथ बाद में जब टाइम आ रहा तो उसको 40 कितने नशे गोलियां खिलाया था, 40 गोलियां नींद की, हाँ 40 नींद के गोलियां खिला के उसको सुसाइड अटेम्प्ट करने लगा था, यानी कि उसको वक्त आ गया तो उसको जान ले जाने की उसने फ्रैग में लगा था, एक्सीडेंट भी कर रहा था, और दूसरी बात क्या कर रहा था? एक्सीडेंट, ये जो मिर्गी बोलते बहुत सारे बीमारियां जो रहते है, तो बहुत सारे बीमारियां ऐसे रहते कि खुद बीमारियां रहते, और 1% बीमारी होंगी या 2% बीमारी होंगी, बाकी तो 92% जो है तो बीमारी नहीं रहती है, तंत्र मंत्र के वार जादू टोने के वार रहते हैं। और ये क्रिया किए किसने करी? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, 6 साल हो गए ये तंत्र मंत्र की क्रिया चल रही थी, ये जादू टोने के वार है, और ये क्या करता अंदर बैठे की दवा रहती है, और दवा उसको बुलाती आता जाता, नेटवर्क आता नेटवर्क जाता खेल चलते रहता, और उसको जहां से भी शमशान से कब्रस्तान से जैसे भी पढ़ के ला के छोड़े, उसको जो हिसाब से ड्यूटी दी उन्हें अपने हिसाब से ड्यूटी नहीं भरा। और दूसरी बात कि इंसान को इतना परेशान कर देते बलाएं जो सब चीजें रहते, तो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा और कैसा हल करना, और छोटे मोटे इलाज वालों के सामने इनके उनके तो आते भी नहीं, वो उनसे सवाल करते भी नहीं, जब बड़ी ताकत अल्लाह ने दिया नहीं वही आते वही सवाल जवाब करते हैं वो सब, और इन सब के ऊपर निचोड़ इन सब का खाबीज अल्लाह का कलाम इबादत, इबादत के रस्से को ज्यादा से ज्यादा थामो पकड़ो, इबादत करो जिक्र अस्कार करो, ऐसा जरूरी नहीं कि जिक्र हिंदू में नहीं करना मुसलमान ने करना सिख ने नहीं करना, ऐसे नहीं जिक्र सब कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल्ला आलमीन है, सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ने उनको भेजा, जितने भी जहान है अल्लाह ने बनाया तो वो सब जहानों के लिए, और वो उम्मत मोहम्मदिया बोले तो मुसलमान ही नहीं, उम्मत मोहम्मदिया मुसलमान भी है और हिंदू भी है सिख भी है ईसाई भी है सब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत में, जिन्हें कलमा पढ़ के माना वो मोमिन बंदों में शुमार होगा, जिन्होंने नहीं माने तो वो अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, मूसा की जितनी उम्मत ने मानी फिरौन भी तो मूसा की उम्मत में था ना, नहीं माना तो क्या होगा गर्क होगा ना मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, वैसा तो इसलिए तुम्हारे सबके लिए अल्लाह का कलाम उतरे, अल्लाह तुम सब पढ़ो जो जिक्र आता वो करो, इससे तुम्हारे प्रोटेक्ट होंगे महफूज रहेंगे हिफाजत होंगी, और जादू चल जाने के बाद तुम बोलेंगे हम उस राह पर जाएंगे इबादत करेंगे जिक्र करेंगे अल्लाह को याद करेंगे, नहीं जादू टोना शैतान तुमको उस राह में नहीं जान देते और रोकते हो, उधर गए तो कट जाते, इस वास्ते तुम आपको उधर नहीं जान देते, कटने वाले या नहीं कटने वाले वहां जाके ना चाहते तुम आपको ले जाके डुप्लीकेटों के सामने वो सब, और इबादत की राह पे तो जाने नहीं देते क्योंकि इबादत से उनको मार पड़ती और मार पड़ के कटना चालू थे इसलिए, और जादू चलने के बाद तुम इबादत करेंगे तो फिर हटाने के बाद इबादत करना पड़ता, और चलने से पहले तुम अगर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामे तो फिर अल्लाह तुम पे जादू नहीं चलने देता, क्योंकि उन्हें हिफाजत बिठाने वाली है तुम्हारी, और जब वो तुम्हारी हिफाजत बिठान लेगा
क्योंकि कौन ही कीड़े मकोड़े तुम्हारे को सहमत दे सकेंगे, किसकी हिम्मत है अल्लाह के सामने सहमत देने की। इसलिए अपने आप को अल्लाह की सुपुर्द करो, अल्लाह के हवाले करो, हसद और जलन अपने दिल दिमाग से निकालो। तुम अगर ऐसा सोचेंगे कि हम उसको काड़ियाँ करेंगे, हम उसके राह में जाके जाली के पत्रे और उन्हें हम पे पलटा के कोई वार नहीं करेगा, उन्हें हम पे कोई जादू नहीं करेगा, उन्हें हमसे कोई बदला नहीं लेगा। तुम अगर किसी के राह में खतरे डालने की कोशिश करेंगे और कांटे डालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर शरीयत उसको इजाजत देती कि उसको मिटा दे, बोल के उठ और उसको मिटा दे। और अगर तू नहीं मिटेगा तो तेरे से हश्र के दिन सवाल करेंगे कि तुझे पावर दिया रहा था और तूने उसको मिटाया क्यों नहीं, फिर यूज करना पड़ता, फिर वो तुम फिर पैसा पीस जाते, फिर तुम्हारे उसको क्या बोलिए, तुम्हारे आमाल ने तुमको फिर बर्बाद कर दिए। तो इसलिए आमाल अच्छे बना के रखो, अच्छे बनो, नेक बनो, तो फिर तुम्हारे को कोई परेशान नहीं कर सकता ना हक आके। तुम बोलेंगे कि मैं किसके राह में कांटे भी डालूंगा यानी सजदा करूंगा, तो फिर वो सजदे कबूल नहीं होते, वो सजदे तुम्हारे मुंह पे लाके फेंक के मार देते, वो इबादत है, कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करे हसन को, तो हसन और हुसैन को और कर्बला के मैदान में हुसैन को जब शहीद करे तो उनके साथ में कितने लोग थे ये भी तुमको पता है ना, और सामने से तो मुफ्तिया खारिया आलिमा बुखारिया हदीसा पढ़ने वाले सब थे ना, फिर उनके इबादत कहाँ कबूल होने वाली यजीदियों के, उनके तो मुंह पे फेंक के मार देंगे तो बच्चा भी बोलेगा तुम्हारे को। और इमाम हुसैन के साथ जितने थे वो तो सब जन्नत के हकदार है, ये भी तो तुमको बच्चा बच्चा बोलेगा। और तुम यजीदियों के जैसे हरकतें करेंगे, जुल्म करेंगे अल्लाह वालों पे और बाद में आम इंसानों पे, बाद में तुम बोलेंगे कि नहीं हम भी नेक हैं, हम सजदे करेंगे, हम पे कोई चलता नहीं, फिर तुम मिट जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फना होंगे, होना ही पड़ेगा तुमको, करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो नहीं करने वाले को भी हशर के दिन पूछूंगी कि तेरे हाथ में पावर दिए थे हमने, उसको यूज क्यों नहीं करा तुमने, उसके ऊपर बोलिए फिर क्या जवाब देना, इसलिए मजबूरन तुम्हारे को फिर मिटा देना पड़ता, तुम्हारी सारी नस्लों को इसलिए बाहर आ जाओ। और तुम क्या समझ रहे, तुम्हारे बाप का राज चलता दुनिया में, हुकूम अब्दाल औलिया अल्लाह, ये जितने जाल रखे अल्लाह ने इनके हाथ में निजाम दिया है सब सिस्टम चलाने का, और निजाम चलाना पड़ता, निजाम नहीं चलेंगे तो जवाब देना पड़ता फिर अल्लाह को, बहुत सारे बातें तुम क्या मालूम अखल से पैदल लोगों। तुमको बार बार एक ही बात बताता हूँ कि इबादत की रस्सी को मजबूत थामो और एक दूसरे को हसद जलन मत करो, ऐसे हसद जलन ऐसे हरकतें करेंगे तो क्या बयान करूँ मैं तुम्हारा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख बस। और दूसरी बात के हर चीज पे जादू टोना होता, जादू टोना एक ऐसी चीज है कि जादू टोना तुम्हारे कमाई पे होता, जादू टोना तुम्हारे दुकान पे होता, घर पे होता, जमीन पे होता, खेत पे होता, खेत की फसलों पे होता, तुम्हारे जिस्म पे होता, जिस्म पे जो अंदाज में करे वो अंदाज में होता, बीमारी बोले बीमारी के अंदाज में लगता, कमाई बर्बाद कर दे बोले तो कमाई बर्बाद करता, तुम्हारे सड़ा के गला के मार तो गला के मारता, वक्त से पहले बुढ़ापा ला के मार तो वक्त से पहले बुढ़ापा ला के मारता, किसी को बेटा मत होने दे बेटे ही होने दे तो जादू टोने से वैसा भी कर देते, किसी को क्या बोलते तो बंजो बांझ कर दो बांझ कर देते, किसी की कंपनी बहुत ऊपर जा रही खींच के रिवर्स ला लो, कोई बिल्डर बहुत ऊपर जा रहा बहुत तरक्की कर रहा उसके आड़े आ रहा, मामूली बातें रहते सब जादू टोने की चीजें, शैताना बैठे वाले रहते, खाली उनको हुक्म दे दी कि काम पे लग जाते, काम पे लग गए कि पूरा बर्बाद कर देते। इसलिए अपनी अपनी इबादतें करो, बंदिशों में रहो, महफूज रहेंगे, ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहो। हर चीज का एक क्या बोलते तो अल्लाह ने मुकर्रर कराया था, एक शख्स रहता उसके पास ही तुमको जाकर अपनी समस्या का हल लेना पड़ता। तुम डॉक्टर के पास जाएंगे और जाकर बोलेंगे डॉक्टर साहब फला फला मुझे दम जान से मारने की धमकी दे रहा, उससे मुझे प्रोटेक्ट कराओ, तो डॉक्टर बोलेंगे वही मैं उससे प्रोटेक्ट नहीं करा सकता, तुमको जान से मारने का अटेम्प्ट कर देने के बाद में तुम्हारे को टाके मार सकता, तो उस टाइम पे किसको जाके बोलना पड़ता, पुलिस का काम है। और पुलिस को जाके बोलेंगे मेरे को टाके मारो, मेरे को जख्म लग गया, फट गया, एक्सीडेंट हो गया, वो कट गया, ये कट गया, जुड़ाओ, तो उन्होंने पुलिस वाले बोलेंगे हमारा थोड़ी काम है, वो तो काम उसका काम है, किसका है, डॉक्टर का। तो हर फील्ड का एक माहिर रहता उसके पास में जाके अपना समस्या बताकर सही तरीके से हल करना, तो तुमको समाधान मिलेगा, राहत मिलेगी, फैज मिलेगी। वरना फिर जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी, अल्लाह कहने सुनने ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कहां से आए थे? अब ये जो मसला चल रहा है इनका।